हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द आर्ट मैन। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले इलेक्ट्रिक इरेजर के बारे में, जो कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा हूं। लेकिन आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कि ये इरेजर काफी इफेक्टिव है, काफी यूजफुल होगा आपके लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये है टीयू का इलेक्ट्रिक इरेजर। नाम थोड़ा अजीब है बट काफी यूजफुल इरेजर है। ये इरेजर आता है 22 रिप्लेसमेंट इरेजर के साथ में, जिसमें दो टाइप के इरेजर होते हैं। एक तो होता है 2.3 mm डायमीटर का और एक होता है 5 mm डायमीटर का इरेजर। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ एक तो ग्रेफाइट पेंसिल और एक काम में लेऊंगा चारकोल पेंसिल। ये क्या है, 8B की ग्रेफाइट पेंसिल है, तो मैंने डार्क पेंसिल ली है। देखते हैं देखिए इसको कैसे इरेज कर पाता है ये इरेजर। और चारकोल की मैं जनरल्स की चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे इरेजर यूज करने वाला हूँ। पहले मैं ज्यादा डायमीटर वाला इरेजर यूज कर रहा हूँ, 5 mm डायमीटर वाला। तो आप देखो ये कितना क्लीन इरेजिंग कर रहा है ये इसके अंदर। अब ये देखो, ये थोड़ा क्या है, ये वो डार्क होती है ना पेंसिल और स्मूथ भी होती है ग्रेफाइट, तो क्या है मिटन नहीं पा रहा। तो इसको क्या आप इरेज इसको है ना वो कर लिया करो इरेजर को साफ। और ये देखो यहाँ पे चारकोल पेंसिल को कितना ईजिली वो कर रहा है, ये इरेज कर रहा है। तो इस इरेजर का ये है कि इसको साफ करना जरूरी है बीच बीच में। अब मैं यहाँ पे कम डायमीटर वाला 2.3 डायमीटर वाला इरेजर काम में ले रहा हूँ। मैंने चेंज किया है तो देखो ये भी कितना क्लीन इरेजिंग कर रहा है। और यहाँ पे भी देख लो आप। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे 5 mm डायमीटर वाले इरेजर को 2.3 डायमीटर वाले इरेजर से रिप्लेस करूंगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, उसकी ये 5 mm डायमीटर वाले क्लिप को प्लास्टिक वाली क्लिप से रिप्लेस करना है, जो कि 2.3 mm डायमीटर वाले इरेजर के लिए आती है। तो आपको सिंपली इसके अंदर इरेजर लगाना है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखना और फिर इसको आप इरेजर में फिट कर देना। ये देख लो इजीली हो गया। और फिर आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इरेज करते टाइम पे ये इरेजर थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो इसको साफ करने के लिए मैं बताने वाला हूँ कि आपको सिंपली करना क्या है, सैंड पेपर लेना है। और नॉर्मल सैंड पेपर आपको कहीं भी मिल जाएगा, हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। तो आप इसको बस सिंपली इसको स्टार्ट करो इरेजर को, और क्या बोलते हैं कि अपने आप क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा से आपको साफ करना है। ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो ये ऐसे ईजिली क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा देर टाइम भी नहीं लगता है इसमें। तो दोस्तों, मेरे को इस इरेजर का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ लगता है वो माइक्रो हाइलाइट्स के लिए होता है, जो अपन बारीक बारीक डिटेल्स में हाइलाइट्स करते हैं उसके अंदर। और उसके लिए आपको करना क्या है, इसको सैंड पेपर पे थोड़ी देर के लिए रब करना है। इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब ये पॉइंटेड शार्प हो जाएगा सही से, तो आप देख सकते हो ये पॉइंटेड शार्प हुए बाद आप इसका यूज कर सकते हो माइक्रो हाइलाइट्स के लिए। जैसे कि आपको दिख रहा है, देखो कि कितनी परफेक्ट हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा है। और जब आप देखते हो कोई भी पोर्ट्रेट्स में, स्किन एंड पोर्स में, ये इरेजर काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका इस इरेजर का यूज इसी के अंदर किया जा सकता है सबसे अच्छा। ये देखो ग्रेफाइट पेंसिल में भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ये हाईलाइट क्रिएट कर रहा है। ये देखो आप जूम में देखो आप कितनी परफेक्ट हाईलाइट्स लग रही है। तो इसका यूज आप पोर्ट्रेट्स में कर सकते हो। और तो दोस्तों, ये वीडियो तो थी इलेक्ट्रिक इरेजर के बारे में। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरे को लगता है इस इरेजर का यूज माइक्रो डिटेल्स के लिए किया जा सकता है, माइक्रो हाइलाइट्स होती है। बाकी आप एक बार ट्राई करना, और जहाँ तक मेरे को लगा है ये इरेजर आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। और दोस्तों, ऐसे ही नई वीडियोज आती रहेगी, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून।